जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत जुर्रत जाने दीजिए जनाब, इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में, बेवजह हमें यहाँ किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। महामंगा बाहर आओ, महामंगा महामंगा, ये क्या हो रहा है सल्तनत? तुमने शहंशाह जलाल को ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने दिया? जानती नहीं कि द्वारका का एक रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है? फिर भी, और हम जितना जानते हैं हमारे शहंशाह को, वो शर्तिया उसी राह का इंतखाब करेंगे जो मेवाड़ से होकर गुजरती। अच्छा, तो सब कुछ जानते बूझते तुमने शहंशाह को उस खतरनाक रास्ते से दिया। अरे हम जानते हैं ये राजपूत किस मिट्टी के बने हैं, प्रताप किस मिट्टी का बना है, हम जानते हैं। अगर प्रताप को पता चलेगा कि शहंशाह जलाल उस रास्ते से गुजरने वाले हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ले लेगा, बोटी बोटी कर देगा। बस, बस, बस। बंद करो हमारे सामने हमारे शहंशाह के बारे में ऐसी बदजुबानी। प्रताप के हाथों शर्मनाक हार से शायद दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है आपका, इसीलिए ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहे हैं आप। खौफ बैठ गया है आपके जहन में प्रताप का, मगर हमारा शहंशाह किसी से नहीं डरता। और यही फर्क है एक शहंशाह में और एक अदना से खौफ सदा वजीर। महामंगा भगवान, मैं कैसी माँ हूँ अपने बच्चे की रक्षा तक ना कर सकी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माई, आप स्वयं को क्यों कोस रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष यदि था तो उस लापरवाह घुड़सवार का था, जिसमें इतनी सी मानवता नहीं थी कि वे अपनी लापरवाह घुड़सवारी के लिए आपसे क्षमा ही मांग लेता। मुआफी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? किंतु हुजूर, अंतिम समय पर यदि उस वीर बालक ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाया ना होता तो वो छोटा बालक तो मर ही जाता। नहीं, बच्चा नहीं मर, उस बच्चे को कुचलने से पहले हम अपने घोड़े की जान ही ले लेंगे। क्या इतना बड़ा खतरा, इतना खतरनाक काम? अर्थात ये तो उतना ही खतरनाक होता जितना खतरनाक उस वीर बालक का अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाना था। हो सकता है, मगर कोई हमें नाउम्मीद करे तो उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो हमारा बेलगाम घोड़ा हो या आप। मीरा माँ के चरणों में मेरा सर कटे, उनके सामने मेरे प्राण जाए, इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? फिक्र मत करो, इसमें अभी वक्त है, और इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल आप हमें ये बताने के लिए कर सकते हैं, वृंदावन जाने के बाद मीरा बाई के साथ क्या हुआ? वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले मीरा माँ ने अपनी कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और वहीं अपना भजन सत्संग प्रारंभ आरंभ। मीरा माँ की उस अद्भुत भक्ति की गाथा मुझ तक भी पहुंच गई और मैं खींचा चला गया मीरा माँ के दर्शन हेतु वृंदावन। और फिर क्या हुआ? आपको भी उनके मानिन दीदार हुए कृष्ण के? नहीं, किंतु एक आभास अवश्य हुआ उस परम शक्ति का, जो केवल मीरा माँ के समीप ही संभव हो सकता है।
मीरा माँ को चित्तौड़ से निर्वासित करने के बाद बाजी साहब भोजराज जी का क्या हुआ? उनकी दिव्य उपलब्धियों की बातें सुनकर क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ? भोजराज को मीराबाई की ये बातें सुनने से बहुत पहले ही अपनी भूल समझ में आ गई थी, क्योंकि मीराबाई के चित्तौड़ से जाते ही महान शूरवीर राणा सांगा का देहावसान हो गया। फिर एक एक करके कई बुरी घटनाएं घटने लगी चित्तौड़ में। भोजराज तुरंत समझ गए कि इन सारी घटनाओं के पीछे बस एक ही कारण है, मीराबाई का चित्तौड़ से निर्वासन। क्षमा कर दो प्रभु, हमसे अज्ञानतावश बहुत बड़ा पाप हो गया। हम जानते थे कि वो आपकी परम भक्त है, फिर भी कैसे हम लोगों की बातों में आ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भोजराज, जो हुआ सो हुआ, जब जागो तभी सवेरा। हम तो कहते हैं कि आप जाइए और मीरा को महल वापस ले आइए। कितना प्रताड़ित और अपमानित करके उन्हें निकाला था रानी मां, अब उसे लेने गए और उसने वापस आने से मना कर दिया। तो अब तो मीरा माँ को चित्तौड़ वापस चलने से मना करना ही था। यदि उनके स्थान पर और कोई होता तो वो भी अवश्य यही करता। बहुत उचित किया मीरा माँ ने वापस चलने से मना कर दिया। जीवन में आत्मसम्मान से बड़ी और कोई बात नहीं होती, और जहाँ सम्मान ही ना मिले तो वहां पर जाना ही क्यों लौट के। किंतु मीराबाई वापस लौट कर चित्तौड़ आई। परंतु कैसे? भोजराज कोई बात एक बार अपनी मन में ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने की, किंतु भोजराज बन के नहीं। प्रभु, प्रभु आपके आदेश से हम यहाँ वृंदावन चले आए। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो हर बार आप हमेशा हमारे साथ। अलख रंजन, प्रणाम महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें वचन वचन जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। परंतु महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वचन दे देवी। ठीक है महाराज, आपका आदेश हमारे सराह को मांगी। चित्तौड़ चलो वापस मीरा। स्वामी आप, मैं तुमसे विनती करता हूं मीरा। नहीं स्वामी, स्वामी चित्तौड़ वापस चलो मीरा। अब तुम वचन भी दे चुकी हो। हमने आज तक आपकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की। हम आज भी आपका आदेश मानेंगे और चलेंगे आपके साथ। चलिए। किंतु मीराबाई वापस लौटकर चित्तौड़ आई।
वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाओ। राजपुरोहित जी, राजपुरोहित जी उठिए। बाबूजी राज, क्या हुआ बाबूजी राज? राजपुरोहित जी, यदि मीरा माँ चित्तौड़ वापस चली गई थी तो फिर आज वे द्वारका में कैसे? वे चित्तौड़ में क्यों नहीं रही? बाबूजी राज, आपकी यही जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको सामान्य लोगों से भिन्न बनाती है। वृंदावन से वापस लौटने के बाद मीराबाई 2 वर्षों तक चित्तौड़ में रहे और इस बार उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भोजराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बाधा उनके समक्ष उत्पन्न न कर सके। भोजराज की असमय मृत्यु ने मीरा माँ के लिए परिस्थितियों को एक बार फिर दुर्गम बना दिया। अब मीरा माँ का चित्तौड़ में रहना लगभग असंभव ही था। भोजराज की मृत्यु के उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, समझ गई तुम? अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने कृष्ण की पूजा कर, जाओ यहाँ से। जीवन भर तुमने हमारे दादा भाई को धर्म संकट में डाले रखा, कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। क्या तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? बोलो। अरे ओ महारानी, ऐसे क्या जल्दी मुंह उठाकर उत्तर दो हमारे प्रश्नों का, उत्तर दो। भोजराज के जाने के बाद रतन सिंह राणा बना और दुर्भाग्य से उनकी भी मृत्यु हुई, और जब क्रूर विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा बन गया तो राज्य में सुख शांति का वातावरण लगभग मिट सा गया। ऐसे में मीराबाई अपना सारा समय कृष्ण भक्ति और उनके भजन कीर्तन में डूबकर बिताने लगे। किंतु उदाबाई और विक्रमादित्य को भला ये कैसे स्वीकार होता था? ऊपर से समाज के हर वर्ग में मीरा की सच्ची कृष्ण भक्ति प्रसिद्ध होती जा रही। दिन दिन मेवाड़ में व्याप्त अराजकता से त्रस्त जनमानस मीरा के भजनों और सत्संग में सुख और संतोष देख अधिक से अधिक संख्या में उनके भक्त बनते जा रहे। उदाबाई और विक्रमादित्य दोनों ही मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ती लोकप्रियता से दिल मिलाने लगे। फिर तो यकीनन दोनों मीराबाई के आवाम में मशहूर होने से परेशान हो गए होंगे, और ऊपर से जिसे रियाया इतनी मोहब्बत करती हो उसे तो मारना भी मुश्किल हो गया होगा। था तो सब कुछ वैसा ही जैसा आपने कहा, किंतु इसके उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को जान से मारने का प्रयत्न किया। क्या सचमुच? वो भी एक बार नहीं, तीन बार। पर जब विक्रमादित्य वहां के राजा बन गए थे तो वो उन्हें सजाए मौत भी दे सकते थे ना? नहीं, ये सब इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि वहां के लोगों में मीरा माँ के लिए इतना सम्मान था, इतना स्नेह था उनकी कृष्ण भक्ति के लिए कि अब खुलेआम मीरा माँ को दंडित करना तो राणा जी के लिए भी लगभग असंभव ही था। और फिर बाबूजी राज, उदाबाई और विक्रमादित्य ने मिलकर मीराबाई की हत्या का ऐसा षड्यंत्र बुना, उन दोनों ने मीराबाई के कृष्ण भोग में विष मिला दिया। इस विष की एक ही बूंद किसी को भी कुछ ही पलों में मारने के लिए काफी है। अब शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, जाओ। Thank you.
कि मीराबाई तो मीराबाई, उन्होंने उस विष मिले हुए कृष्ण भोग को भी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और उसी सहजता के साथ ग्रहण किया जैसे वे सदा ग्रहण करते हैं। जब विष से मीरा माँ को मारने का षड्यंत्र असफल हो गया तो उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को मारने का दूसरा षड्यंत्र रचा। कहना ये सारी लौ कीलें अच्छी धारदार तीखी तो है ना? आज रात को मीरा इन लौ कीलों की बिछावन पे सोएगी। इस बिछावन से ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या है? तीखी तीखी लॉक कीले बिछाई थी इस बिछावन पे, और क्या बात हो सकती है? आपको चुभी नहीं कीले, और आप इतनी शांति से इस बिछावन पे कैसे लेट सकती है?
हमारे साथ ऐसे प्रयास क्यों कर रही है? आप कह रही है कि इसमें एक किले है, मगर देखिए यहाँ तो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। देखिए अपनी आंखों से। ये कैसे हो सकता है? मीराबाई को मारने के दो दो षड्यंत्रों के यूं असफल होने के बाद भी विक्रमादित्य और उदाबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मीराबाई को मारने का फिर एक अंतिम प्रयास किया। मीराबाई, मीराबाई, आप जैसी परम ज्ञानी कृष्ण भक्त के विरुद्ध आज तक हमने जो जो किया उसके लिए हमें बहुत खेद। मति मारी गई थी हमारी, जो एक के बाद एक पाप होते गए हमसे, किंतु हमसे आज तक जो कुछ भी हुआ हम सच में उसके लिए बहुत दुखी हैं। क्षमा मांगना चाहते हैं आपके कृष्ण से, परंतु वो हमारी क्यों सुनेंगे? इसीलिए मीराबाई, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, यह छोटी सी भेंट हमारी ओर से अपने कृष्ण को चढ़ाइए और हमारे लिए क्षमा याचना मांगिए। शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। वाह, सुनकर ही आनंद आ गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कितने प्रयास किए मीरा माँ को मारने के, परंतु सब के सब असफल है। कहते हैं ना, जब भक्त सच्चा हो और भगवान के प्रति उसका विश्वास अगाध हो तो भक्त को फिर जन्म और मरण की चिंता नहीं रहती। वो सब कुछ छोड़कर हर पल अपनी भक्ति में ही डूबा रहता है और ऐसे में भगवान को स्वयं भक्त की चिंता करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी मीराबाई की सदैव चिंता करनी होती है, परंतु ये तो सर्वविदित है। मनुष्य का सब कुछ बदल सकता है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं। उदाबाई और विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वे दोनों चुप नहीं बैठे। मारने के प्रयास असफल हो जाने के बाद उन दोनों ने मीराबाई की पूजा में विघ्न डालने आरंभ कर दिए। इससे मीराबाई इतनी व्यथित हो गई कि उन्होंने संत तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर तुलसीदास जी ने उत्तर में क्या कहा? मीराबाई के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये कहा, जाके प्रिय नराम वैदे तो नर तजिय कोटि वैरी यद्यपि परम नाते सभी राम के मने तू हृदय सुसंख्य जहां लो अंजन कहां आखी जो फूटे बहुत कहो कहो। तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने मीरा माँ को लिखा कि सच्चा संबंध तो वही है जो श्री राम के संग होए, बाकी सभी संबंध तो भ्रम है, माया है, छलावा है। जिस काजल को आंखों में लगाने से आंख ही फूट जाए, ऐसे काजल को आंखों में लगाना ही क्यों? इसीलिए आप चित्तौड़ छोड़िए, अपने महलों को छोड़िए और अपना समय अपने आराध्य धाम में जाकर उसकी आराधना में लगाना। फिर देखना मन और आत्मा दोनों में प्रभु भक्ति की परम संतोषी व्याप्ति।
और संत तुलसीदास जी की सलाह मानकर मीराबाई एक बार जो द्वारका आई तो फिर चित्तौड़ वापस कभी नहीं। हमारी रानी माँ अक्सर हमसे कहा करती कि जब से मीरा माता ने चित्तौड़ छोड़ा सौभाग्य नहीं रही, चित्तौड़ से अपना मुंह मोड़ लिया। आपको भी क्या ऐसा लगता है राजपुरोहित जी? हाँ बाबूजी रानी, वरना चित्तौड़ पर कभी बहादुर शाह का हमला नहीं होता, वरना रानी कर्णावती को 1300 सहस्त्र राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर नहीं करना। चित्तौड़ से भगवान ने सौभाग्य को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, फिर विक्रमादित्य को भी उनके किए का दंड मिला, बनवीर ने उनकी हत्या कर दी। मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ते ही काल का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि उससे कोई भी नहीं बच पाया बाबूजी। वो तो भला हो उस पन्नाधाय का जिसके अभूतपूर्व बलिदान से आपके पिताजी बच गए, किंतु अपने पूरे प्रयासों के बाद नियति के बदले रंग के सामने हमारे दाजीराज को भी झुकना पड़ा। मेवाड़ की जनता के हित में उन्हें भी शेर शाह को चित्तौड़ किले की चाबी देने जैसा अपमानजनक समझौता करना पड़ा। बदकिस्मती का मनहूस साया। अच्छा, और जानते हुजूर, मेवाड़ की इस दुर्भाग्य की काली आंधी को रोकने का श्रेय किसे देते हैं लोग? मियां तानसेन, जहां तक हमारा ख्याल है तो हम तो यही कहेंगे कि मेवाड़ के बुरे वक्त का अभी तो फकत आगाज हुआ। अच्छा बताओ कौन है वो शख्स? प्रताप सिंह। हाँ बाल बाल, आपने ही चित्तौड़ पर छाए हुए बुरे समय की धारा को सही दिशा, और इसका आरंभ होता है शम्स खान को पराजित कर, फिर आपने बैरम खान को भी, और अब यदि आप मीराबाई को मनाकर चित्तौड़ वापस ले जाने में सफल हो जाते हैं तो देख लीजिए मेवाड़ पर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल सदा सदा के लिए छट जाएंगे। हाँ राजपुरोहित जी, हम मीरा माँ के आशीर्वाद से फिर कभी मेवाड़ उस अंधेरे में डूबने नहीं देंगे जहाँ कुछ समय तक अपनी ऐतिहासिक गौरव और कीर्ति को भुलाकर मेवाड़ डूबा, और इसके लिए हमें मुगल बादशाह के उन सभी सपनों को तार तार करना होगा जो स्वप्न उसने राजपुताने को हत्याने के लिए बुने। राजपुरोहित जी, हमें उस पर ऐसा आघात पहुंचाना है कि जिसके खाव से मुगल बादशाह तो क्या, कोई भी आक्रमणकारी मेवाड़ पर अपनी बुरी दृष्टि डालने का दुस्साहस तक न कर सके। बाबूजी राज, हम द्वारका के सीमा पर खड़े हैं और सूर्यास्त भी होने वाला है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कल मीराबाई के दर्शन से पूर्व आज रात को ही ध्यान करके अपने चित्त को प्रसन्न शांत एवं व्यवस्थित कर लें। जो आगे राजपूत, हम अपनी इस तीर्थ यात्रा को एक मुगल के विचारों से दूषित नहीं होने देंगे। कल सुबह सबसे पहले हम आपकी उस मीराबाई से मिलेंगे, और आपके उस दावे को कि उनकी शख्सियत में वो रूहानी ताकत है जो हमें भी उनके कदमों में अपना सर खुद ब खुद झुकाने के लिए मजबूर करते हैं, उसे गलत साबित करेंगे और आपके उस मसीहे प्रताप को भी खत्म करके रख देंगे और दोबारा आपको गलत साबित करेंगे। अब कोई भी ताकत राजपुताने को मुगल सल्तनत की जद में आने से नहीं रोक पाएगी, और आपका प्रताप भी राजपुताने को हमसे नहीं बचा पाएगा। हुजूर, ठंड सचमुच नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, हम अभी कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त करके आपके लिए तपिश का इंतजाम करते हैं। नहीं, फिजूल में वक्त जाया करना हमें कतई पसंद नहीं, हमें यहीं से दूर एक पूरे जलता हुआ अलाव दिख रहा है।
रुक जाइए हुजूर। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी इतनी जुर्रत कि आप सल्तनत मुगलिया को रोकने की गुस्ताखी करें? हुजूर, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए किसी बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ध्यान में बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी ध्यान में बैठे व्यक्ति का ध्यान भंग करता है, उस पर दुर्भाग्य की काली घटा छा जाती है। इतना तो हम भी देख पा रहे हैं मियां तानसेन, यहां तो फकत एक लड़का बैठा है जो आग के पीछे। जो कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर साधना की मुद्रा में बैठा हो, उसे योगी ही कहते हैं। रहने दीजिए इसे अपने ध्यान में, और आप चलिए हमारे साथ। आपके सेवक ने आपके लिए अलग से आग तापने का प्रबंध कर रखा है। मियां तानसेन, अगर फिर कभी आपने हमारे फैसलों के बीच में आने की गुस्ताखी की, तो आपका सर कलम करने के लिए हम मीराबाई से मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। जी हुजूर, किंतु इस समय आप चलिए मेरे साथ। सुनिए, आपको पता है हुजूर कहाँ है? डेरे पे नहीं है वे, और इतनी सुबह उठकर तो वे कहीं नहीं जाते। कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शमशुद्दीन। तुम्हारे शहंशाह अवश्य मीराबाई से भेंट करने ही गए होंगे। बहुत प्रतीक्षा कर चुके थे ना उनके दर्शनों की, इसीलिए सुबह सुबह उठकर निकल पड़े होंगे। हम सबके जगने से पहले ही बाबूजी राज प्रताप तैयार होकर चले, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे रात भर सोए ही कहां थे? वे तो रात भर बस भोर होने की प्रतीक्षा में थे कि कब भोर हो और कब वे मीराबाई के दर्शन हेतु जाए। अब तक तो वे द्वारका पहुंच भी गए। मीरा माँ का मंदिर कहाँ होगा? और सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, थोड़ा आगे जाके फिर दाएं मुड़ना। ये मीराबाई का मंदिर कहाँ है? सीधे जाओ, फिर दाएं, उसके बाद बायां तीसरा मोड़, मुड़ते ही सामने मीरा माँ का मंदिर है। किसी से पूछ लेना। सुनिए काका, क्या आप हमें बता सकते हैं मीरा माँ किस मंदिर में भजन गाती है? हम कब से खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमें वो मंदिर। मीरा माँ का मंदिर जाना है बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और दाहिने मुड़ो, सामने ही मीरा माँ का मंदिर है। जी काका। कितना वक्त गुजर गया घूमते घूमते, पर अब तक वो मंदिर नहीं मिला जिसमें मीराबाई है। आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमें बेवकूफ बनाए? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाते हैं। सच बात तो ये है कि मीराबाई यहाँ है ही नहीं। आपके कहने पर हम दिल्ली से द्वारका आए, रास्ते में आपके किस्सों पे यकीन भी किया कि मीराबाई पानी पर चलती हैं, मीराबाई कांटों वाली पलंग पर महफूज रह सकती हैं, मीराबाई सांपों को भी फूल बना देती है, मीराबाई ये मीराबाई वो, बल्कि सच बात तो ये है कि ये सब आपके जहनी ख्याल
ख्याली तस्वुरात है। आप मेरी बात तो सुनिए, दरअसल एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम, एक लफ्ज नहीं, बहुत बोल चुके आप, अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए, बहुत बोल चुके आप, अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए, खंजर खींचने से मीरा माँ के मंदिर का पता नहीं चलेगा। मीरा माँ के मंदिर का मार्ग विश्वास और धैर्य से हमें नसीहत, हमें जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? आप इन्हें समझाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आया, इन्हें तो लगता है कि सब कुछ बस बल और क्रोध से ही प्राप्त किया जा सकता। जबकि ऐसा होता तो मीरा माँ की भक्ति और विशुद्ध प्रेम सहस्त्रों का मन नहीं जीत पाता। परंतु ये करुणा और भक्ति की बात इन्हें कहां से समझ में आने वाली? मुफ्त में नसीहत बांटना पेशा है क्या आपका? वैसे नसीहत बांटना हमें भी आता है, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। दिखाया अपना जलवा, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? से आगे आने आप तो हमें जानती तक नहीं, फिर भी जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है वहां तक आने दिया हमें? हम मात्र एक बात जानते हैं कि यहाँ बैठे सभी श्रद्धालुओं की तरह उन्हीं की भांति तुम भी यहाँ कान्हा की इच्छा से ही आया। नहीं माई, हम तो यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। आज से पहले ना तुमने कभी ऐसा साधारण वस्त्र धारण किया और ना ही कभी ये भूले कि तुम कौन हो। आप सब कुछ जानती हैं हमारे बारे में? हम नहीं, कान्हा जानते हैं सब कुछ। ये सारा खेल उन्हीं का ही है, वही बनाते हैं, वही चलाते हैं। यहां से जाने के बाद तुम कई सारे रूपों में जियोगे, परंतु तुम्हारा एक रूप यही छूट जाएगा हमारे कान्हा के पास।
जिसे कभी कोई मैला नहीं कर सकता है। अपने आंसू पोंछ लीजिए। हो सके तो हमें क्षमा कर देना माई, आपकी पवित्रता और भावपूर्ण संगीत पर संदेह करके और उस पर शर्त लगा के बहुत बड़ा अपराध किया है हमने। क्षमा मांगना ही है तो उनसे मांगे जिनका सर तुम हमारे चरणों पर काट कर चढ़ाने वाले थे। उनके तो हम जीवन भर एहसान मंद रहने वाले हैं। इस पवित्र जगह ने बहुत कुछ दिया है हमें और उसके लिए एक छोटी सी भेंट। हम जानते हैं आप किसी से कुछ नहीं लेते, पर हमारे तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप अपने कान्हा जी के लिए स्वीकार करें। आपकी मौजूदगी में कितना चैन मिला है हमें। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मीरा माँ के दर्शन नहीं करेंगे? आपको अपनी आंखें खोलकर चलना सीख लेना चाहिए, वरना कभी ऐसे टकराओगे कि चूर चूर हो जाओगे। हम आपकी सलाह क्यों माने जबकि आप तो मीरा माँ से साक्षात्कार करने से पहले उनके अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। संदेह किया आपने उन पर। हम कम से कम इतने खुशकिस्मत तो है ना जिसे थोड़ा ही सही पर मीरा बाई से मिलने का मौका मिला। अब देखते हैं कि आपको क्या मिलता है इस दर पे। भाई आप तो हमें इतना बता दीजिए कि आप हमें रीवा कब तक ले जा सकते हैं? आप अब कहीं नहीं जा रहे हैं मियां तान से, आप जा सकते हैं। क्षमा कीजिए हुजूर, आपके और हमारे बीच का करार तो इतना ही था ना कि हम आपको मीरा माँ के दर्शन करवा दें, उनके दैवीय शक्ति का ज्ञान हो जाए आपको तथा आप उसे मान ले। किंतु आप इस गरीब गायक को अपने घर जाने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए ना। कैसे दे दे आपको अपने से दूर जाने की इजाजत मियां तान से, बल्कि आपने तो सबसे पहले अपनी दिलकश गायकी से और फिर अपनी सुलझी जुबान और बेखौफ तबीयत से बांध लिया है हम, और इसलिए आपको हम अपने मुगल दरबार में राज गायक का खिताब अता फरमाते हैं। क्या इतनी बड़ी उपाधि जिले सुभानी? हक बनता है आपका इस पर। और आपकी बातों पर जो हमने शक किया उसकी एवज एवज आप इसे हमारी मुआफी की ख्वाहिश भी समझ सकते हैं। हुजूर, आपसे जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल मीरा माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। किंतु हुजूर, आप भी एक बात समझ लीजिए कि हम केवल अपनी इच्छा तथा पूरी ईमानदारी के साथ गाते हैं। यदि आपने हमें हमारी इच्छा तथा ईमान के विरुद्ध गाने के लिए विवश किया तो हमें अपनी गर्दन उड़वाने से भी अधिक पीड़ा प्राप्त होगी। मंजूर है तो फिर ठीक है, आपका दिया हुआ ये खिताब सर आंखों पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के दरबार का गायक होने की पदवी मेरे लिए गर्व तथा सौभाग्य की बात है। मैं इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अब हम अपने इस नए
और सहीन दरबारी के साथ हम निवाला होना चाहेंगे। अवश्य। इसका उचित तथा उत्तम व्यवस्था कहाँ है यह हम बताते हैं आपको। आइए आइए हमारे साथ। देखिए हमें मीरा माँ से मिलना है, हमारा उनसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाह के भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। मीरा माँ समाधि में चली गई हैं। इस समय उनकी आत्मा कृष्ण लोक में विचरण कर रही होगी, बहुत दूर इस संसार से परे। और कब समाप्त होगी उनकी ये समाधि, ये तो मीरा माँ ही जाने। तब तक हम इस पावन मंदिर में कोई सेवा कार्य करना चाहते हैं, क्या आप हमें कुछ सुझाव दे सकती हैं? इस मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे भक्तों को मंदिर परिसर में भोजन दिया जाता है, आप चाहें तो इस कार्य में भाग लेकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। लगता है बदकिस्मती से आपको मीराबाई के दर्शन का मौका नहीं मिल पाया। मीरा माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा अधिक सुख और सौभाग्य से हम आप जैसे बदतमीज की सेवा नहीं करेंगे कभी। अगर हम चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हमारी खिदमत करने से नहीं रोक पाएगी। जितना प्रयास कर सकते कर लीजिए, चाहे तो पूरे संसार का बल लगा कर देख लीजिए। प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल जाएंगे और फिर अंत में हार मानेंगे आप। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं। हुजूर भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। मर चुकी है हमारी भूख और वैसे हमसे यहाँ का बेस्वाद घास फूस नहीं खाया जाएगा। परंतु यहाँ भोजन में यही सब कुछ मिलेगा। सुना है इस गांव के आसपास हिरण बहुत है जंगल में, हमारा पसंदीदा खाना। और हमें क्या कब खाना है ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। हुजूर, हरे कृष्णा, ऐसे पवित्र धाम पर भी शिकार और मांसाहार जैसी बातें, कितना दुख होगा मीराबाई को यह सुनकर अपने आसपास जीव हत्या से। आज उस सिद्धि राजपूत को भी दिखा देते हैं कि क्या होता है असली बहादुर और क्या होती है उसकी कुदरती गिजा। चिंता मत कीजिए आप राजपुरोहित जी, हम अपनी पहचान खुले नहीं देंगे, परंतु उस बिगड़े हुए व्यक्ति को पाठ तो पढ़ाना ही होगा। सहने की भी तो एक सीमा होती है राजपुरोहित जी, अब उसे प्रेम से समझाने का समय चला गया। जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं, लगता है अब जल्दी कोई हिरण हमारे शातिर निशाने का शिकार बनेगा। देख लीजिए
हमें तो उनका नाम भी नहीं पता, बस हमारे उधर पहुंचने से पहले वो हिरन उन्हें ना दिख जाए। बचोगे तू? बहुत हो गई लुका छुपी, इस बार नहीं बचोगी तू। चीख नहीं सुनाई दी हिरण की? किसने दुस्साहस किया हमारे तीर को रोकने का? सामने आओ, किसकी भूल है ये? हमारी हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरे द्वारका में किसी को भी इतनी रुचि नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सिवाय आपके। चलिए, आपको इतना तो पता चल ही गया कि जब जब आप कोई अनुचित कार्य करेंगे, तब तब हम आपको रोकने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या क्या अन्याय देखा ही नहीं जाता? क्यों? आपने नहीं किया कभी शिकार? क्यों नहीं? परंतु ये मीरा माँ की पावन धरती है और हम इस धरती पर आपको अपने मनोरंजन के जीव हत्या करने नहीं देंगे। और यदि हमने आपकी बात ना मानी तो आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं।
ये तो निश्चित है कि आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हमने स्वयं आपकी तरह निपुण शब्द भेदी तीर चलाने वाला नहीं दिया, तो निश्चित तो ये भी है आप वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन जान लोगे कि कौन है हम उस दिन समझ जाओगे कि एक बार हम ठान लें तो दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे बादशाह ही क्यों न हो, परंतु ये आप भी जानते हैं और हम कि हम आपसे दो बार मिले और दोनों बार हमने उनकी रक्षा की जिन्हें आप हानि पहुंचाने वाले थे, जैसे वो असहाय जिसे आपका बेलगाम घोड़ा बस कुचलने ही वाला था, और फिर ये हिरन जिसे आपका तीर मारने ही वाला। हमारी सलाह मानिए तो अपना अहंकार छोड़ दीजिए और अपनी राह पकड़ लीजिए। कोई हुक्म नहीं चला सकता हम पे, कोई नहीं। लगता है आज तक आपका किसी साहसी क्षत्रिय से पालन नहीं।